गुड इवनिंग एम स्टूडेंट, मैं अभी आप लोग को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 से साइंस में फर्स्ट चैप्टर को बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है बोर्ड की, इसलिए आप बुक्स को भी ध्यान से देख सकते हैं, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको। कल मैं कुछ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया था, आज मैं क्रॉप एंड क्रॉप सीजन्स के बारे में बताऊंगा। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। ये मैं कल भी बताया था। क्रॉप किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार का पौधा जो सेम फील्ड में बड़े पैमाने पे उगाया जाए उसे क्रॉप कहते हैं। द प्रोडक्शन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस, और उससे जो प्राप्त होता है वो उसका प्रोड्यूस होता है। क्रॉप्स कैन बी क्लासीफाई आदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन या ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। क्रॉप को दो तरीकों से क्लासीफाई किया जाता है, एक तो उसके प्रोडक्ट जो हम प्राप्त किए या जिस सीजन में हम उसको उगा रहे हैं उसके अनुसार। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग भी है, आप ध्यान से देख लें। डोमेस्टिकेटेड है, मीनिंग का नाम डोमेस्टिकेटेड है, आप देख पा रहे होंगे। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है टेम एंड केप्ट एज ए पेट और एन ए फार्म। चलेंगे अब दूसरे पेज की तरफ। आप लोगों को ये भी कल बताए थे हम, मैं फिर से बता दे रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इन इंडिया देयर आर टू मेन क्रॉप्स है, एक रबी क्रॉप्स है जो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च या अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसे कहेंगे? तो वैसे फसल जिसको हम अक्टूबर या नवंबर में लगाते हैं और मार्च से अप्रैल में उसको काट लेते हैं वो रबी क्रॉप्स कहलाता है। दीज क्रॉप्स को हम लोग, इस टाइप के क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा ये क्रॉप्स रबी क्रॉप्स का एग्जांपल क्या हुआ, तो रबी क्रॉप्स का एग्जांपल हो गया वीट, मस्टर्ड, बैडली, ग्राम, पी, ये सब जो है एग्जांपल है रबी क्रॉप्स का। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन्स। ये क्रॉप्स जो है बरसात मानसून रेन्स पे डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्रॉप्स इज लेस, क्योंकि इस फसल को बहुत कम पानी चाहिए होता है। अब दूसरा प्रकार में आते हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सो इन जून या जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे राइस हो गया, पैडी जिसको बोलते हैं, मैज, पल्सिस, कॉटन, ग्राउंडनट्स, ये सब जो है एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप्स का। दीज क्रॉप्स को रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लार्जली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन्स, इसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है इसीलिए मानसून रेन पे डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पे एक आंसर, टाइम आंसर दिया हुआ है, इसको आप लोग बना के नोटबुक में उतार के मुझे इस ऐप पे डाल देंगे पिक लेकर। उसके बाद एक टॉपिक है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है? द वेरियस एक्टिविटीज दैट ए फार्मर परफॉर्म्स। वह बहुत सारी एक्टिविटीज जो किसान करता है, क्यों करता है? टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, जिससे उसका फसल अच्छा हो सके उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज कहते हैं। इसमें देखिए द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है क्या, तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, दूसरा है सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा है मैन्यूरिंग, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, छठा है हार्वेस्टिंग, सातवां है स्टोर्स। प्रिपरेशन ऑफ सोयल क्या है? हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, फसल के लायक बनाते हैं। यहाँ ध्यान से देख पा रहे होंगे कि द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप इज टू प्रिपेयर द सोयल। फसल को उगाने का सबसे पहला स्टेप होता है मिट्टी को उस फसल के लायक बनाना, यानी उसको प्रिपेयर करना। द प्रिपरेशन ऑफ सोयल इन्वॉल्व्स प्लगिंग एंड लेवलिंग बोलते हैं। द सोयल नीड्स टू लूजेंड सो दैट द रूट्स कैन
पेंट्रेट डीप इंटू द सॉयल, इसके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, चूंकि ज्यादा बड़ा बनाऊंगा तो फिर अपलोड नहीं कर पाऊंगा, फिर नेक्स्ट मैं बनाता हूँ अभी।